Hello everyone, how are you all? I hope you are fine and feeling safe. Welcome back हम सबके अपने YouTube चैनल BMS Lecture 17 में. आज हम करेंगे अक्षी पाकात्या, पाकात्या या फिर इसको तीव्र वेदना भी बोलते हैं, ठीक है. उससे पहले जिस भी स्टूडेंट को मेरी BMS फोर्थ ईयर के क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑनलाइन या फिर आपको PG क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे BMS Lecture 17 पे मैसेज कर सकती हूँ या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हो. माई जीमेल ID इज bmslectures910@gmail.com. ओके, सो आज हम करेंगे अक्षी पाकात्या. ये मैं आपको बता दूं कृष्णगत रोग की व्याधि है. और इससे पहले मैं आपको सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्रम और अजका जात की ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरी शालक्य की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहां पे सारी ऑलमोस्ट आई डिसऑर्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले आपको ये श्लोक दिख रहा होगा. सबसे पहले ही कहेंगे ये इतना बड़ा श्लोक याद करना है क्या? कोई बात नहीं, हम इसको याद ही करेंगे. हाँ, याद हम करेंगे, बट वो भी बहुत आसान तरीके से, जिससे आपको देखते देखते याद हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद अगर आप 2-3 बार खुद से भी पढ़ोगे तो आपके टिप्स पे हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अक्षी पाकात्या, ये त्रिदोषज और रक्तज है बेसिकली, और ये असाध्य कंडीशन है. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन सवर्ण शुक्र डेट ऑल द रोगा इज असाध्य एक्सेप्ट अवर्ण शुक्र. ओके, अवर्ण शुक्रम इज साध्य एंड अदर इज असाध्य. सो नाउट स्टार्ट दिस वीडियो. जिसमें कृष्ण मंडल श्वेत आभा से अच्छंदित हो जाता है. अब आपको अपने माइंड में अपने ब्लैक वाला पोर्शन देखना है आई का. उसमें क्या होगा, श्वेत आभा से वो अच्छंदित हो जाता है. ओके, उसे अक्षी पाकात्या कहते हैं. सिंपल सी बात है, जिसमें आपका व्हाइट सी आभा से, व्हाइट सी चीज से जब वो कवर हो जाएगा उसे ही आप अक्षी पाकात्या कहते हो. और जो ये रोग होता है वो आपके अक्षी कोप से या अभिछंद से उत्पन्न होता है. किससे होता है ये रोग? अक्षी कोप या फिर अभिछंद से उत्पन्न होता है. इसमें तीव्र पीड़ा होती है, तभी इसको तीव्र वेदना भी बोलते हैं. अंडरस्टूड? तो इसमें क्या रहता है बेसिकली, एक तो श्वेत आभा से अच्छंदित रहता है, अक्षी कोप या फिर अभिछंद से ये उत्पन्न होता है और इसमें बहुत ज्यादा पेन रहता है, ठीक है. अब श्लोक की तरफ आते हैं. समछाद्यते श्वेत निभेन सर्व दोषेण यस्य असित मंडलम तु. समछाद्यते श्वेत निभेन, समछाद्यते मतलब कवर किया हो उसका, ठीक है. श्वेत निभेन व्हाइट वाली चीज से, सर्व दोषेण सारे दोषों वाली ही होती है, ठीक है. यस्य असित मंडलम तु, यस्य असित मतलब ब्लैक वाले पोर्शन पे. तम अक्षी पाकात्यम अक्षी कोप समुचितम, और ये किससे होता है? अक्षी पाकात्या जो होता है वो अक्षी कोप से होता है. तम अक्षी पाकात्यम अक्षी कोप समुचितम तीव्र रोजम वद्यन्ति, और क्या होता है इसके अंदर? तीव्र रोजा होती है, ठीक है. तो सबसे पहले इन्होंने बोला क्या है यहाँ पे, कि जो अक्षी पाकात्या होता है वो है क्या. तो सबसे पहले आपने बताना है कि व्हाइट चीज से कवर होता है, डेट्स समछाद्यते, समछाद्यते मतलब कवर होता है. समछाद्यते श्वेत निभेन सर्व दोषेण, सारे दोष होते हैं इसके अंदर. यस्य असित मंडलम तो, ये ब्लैक वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं. तम अक्षी पाकात्या, अब डिसीज का नाम आ गया. अक्षी कोप समुचितम, अक्षी कोप समुचित रहता है इसके अंदर. और तीव्र रोजम वद्यंती, और ये बहुत ज्यादा इसमें पेन होता है, ठीक है. तो क्या है? समछाद्यते श्वेत निभेन, समछाद्यते श्वेत निभेन सर्व दोषेण यस्य असित मंडलम तु. तम अक्षी पाकात्यम अक्षी कोप समुचितम तीव्र रोजम वद्यंती. अब आती है बात इनक्यूरेबल या असाध्य लक्षण इसके क्या होंगे, भागवत जी ने क्या बताए हैं. लिंग नाश, इसके अंदर कॉर्नियल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, श्याव या लोहित वर्ण को हो जाएगा. इफ नाड़ी व्रण इज देयर तब भी वो असाध्य है, अगर वहां पे फिस्टुला बन जाता है तब भी असाध्य है. विच्छिन्नम दैट्स इज डिसकंटिन्यूएशन, और वत्सर इवत, वत्सर इवत मतलब कि एक साल से ज्यादा हो गया, ठीक है. अब आता है इसका ट्रीटमेंट की बात. ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम रक्तमोक्षण करेंगे, रक्त का ज्यादा रहता है, अक्षी कोप रहता है, तो रक्त मोक्षण विरेचन और तर्पण करें. अंडरस्टूड? आफ्टर डेट हम इसका मॉडर्न कोरिलेशन इसमें करेंगे. तो वी कैन कोरिलेट अक्षी पाकात्या विद पेन ऑप्थेल्माइटिस. पेन का मतलब होता है एंटायर आई, ठीक है. पेन का मतलब एंटायर, ऑप्थेल्माइटिस आई, आईटिस इन्फ्लामेशन आपको पता ही है. द प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द होल आईबो इंक्लूडिंग टेनिस कैप्सूल.
जिसके अंदर क्या होता है, सारी ब्रिलियंट इंफॉर्मेशन हो जाती है पूरी आई बॉल की, जिसके अंदर आपका टेनिस कैप्सूल भी इंक्लूड होता है। इट्स कीटोलॉजी क्या है, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है। सिम्टम इसके ऑकुलर पेन, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, एपिफोरा डिस्चार्ज, रेडनेस, स्वेलिंग मिलेगी। साइंस हाइपोपायोन, इसके अंदर क्या मिलेगा, हाइपोपायोन, ठीक है। केमोसिस, जेलेटिनस अपीयरेंस वहां पे मिलती है। रेज इंट्राओकुलर प्रेशर मिलेगा, और इसका ट्रीटमेंट रहता है आपके पास, इनिशियल स्टेज में तो आपको एंटीबायोटिक और स्टीरोइड देने बात करता हूं, बट अगर लेटर हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा कंटेंट ऑफ आईबॉल, जिसे बोलते हैं एविस्क्रेशन, ठीक है, एविस्क्रेशन। ओके, लीविंग 3 mm ऑफ स्क्लेरा अराउंड द ऑप्टिक नर्व, 3 mm ऑफ स्क्लेरा छोड़ देना आपको अराउंड द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो इसी के अंदर हम सीरा शुक्र की भी बात कर लेते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी है ये। तो सीरा शुक्र क्या होता है, ये भी त्रिदोष जो रक्त है ये भी असाध्य है। सीरा शुक्र में आपको क्या मिलेगा, तो दा ताम्रा भी सीरा भी, सीरा भी अवतंत्यते अनिमित्तम उष्णम शीताश्च घन अस्त्र अश्रुच। क्या बोला है, तो मतलब प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन मिलेगा, दहा मिलती है, ताम्रा भी, ताम्र कलर के आपको वहां पे वेन्स मिलेंगी, अनिमित्या मतलब विदाउट एनी कॉज, उष्ण शीत, कभी ठंडा कभी गर्म लगता है, कभी घन और कभी अस्त्र अश्रु, इसमें मतलब रक्त के अश्रु इसमें आते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट सेम सवर्ण शुक्र के जैसा करना है, और इन मॉडर्न वी कैन कोरिलेट विद वैस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया, ठीक है। तो इसके अंदर यही सब है, और इसके अंदर इतना ज्यादा कुछ तो है नहीं, यहाँ पे हमारे सारे के सारे कृष्णगत रोग कंप्लीट हो गए। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके और आप उसको सबसे पहले देख सको, और आप एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और टॉपर आ सको, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।